तो यहाँ पर हम देखते हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का जो बुक है हमारा, बुक है हमारे पास में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। इसके अंदर पहला चैप्टर है विविधता की समझ, उसको हम पढ़ते हैं क्योंकि भारत में विविधता बहुत है, तो उसी के हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम विविधता की समझ विकसित कर सकते हैं, विविधता क्या है, विविधता के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किस तरीके से विविधता लोगों को आपस में जोड़ती है, किस तरीके से लोग अपनी विविधता को आपस में शेयर करते हैं और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप एक कक्षा में बैठे हैं, एक क्लास में आप बैठे हुए हैं, तो क्या होता है उस क्लास के अंदर अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनका रहन सहन अलग है, उनका धर्म अलग है, रहन सहन अलग है, उनके तौर तरीके अलग हैं, उनके खान पान अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनके त्यौहार भी अलग अलग हैं। ये भिन्नताएं हैं, ये हमारे जीवन में कई तरीके से रोचक और हमें समृद्ध बनाती हैं, यानी हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, हमें विविधता देती है। तो भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। अगर पूछा जाए कि भारत में विविधता की वजह क्या है, विविधता क्यों है भारत में, तो भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। और विविधता और अनेकता हमारे जीवन को बहुत ही तरीके से प्रभावित करती हैं, बहुत ही सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं, हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है कि विविधता और अनेकता जो है, ये दो टर्म है विविधता और अनेकता, ये किस तरीके से हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। भारत के अंदर इतनी सारी विविधता वाला देश है, ये भारत के अंदर इतनी सारी विविधता कैसे बनी, क्यों भारत के अंदर इतनी सारी विविधताएं हैं, इनके बारे में बताया जाता है। और इन सभी की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं, वो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है इसमें। जैसे कि एक स्टोरी बताई गई है कि तीन बच्चों के यहाँ पर चित्र बताए गए हैं, ये जो चित्र हैं ये तीन बच्चों के चित्र बताए गए हैं, ये वन, ये टू और ये थ्री, तीनों के अंदर विविधता हम देख सकते हैं। और यहाँ पर ये तीनों के अंदर क्या विविधता है, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग पहन रखा है, अलग अलग जेंडर भी अलग है इनका। तो आपस में जब इनके चित्र बनाते हैं तो सबका चित्रकारी का तरीका अलग अलग होता है, और जिस तरीके से हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, यहाँ पर भी तीनों का तरीका अलग अलग है, तीनों के चित्र अलग अलग हैं। जिस तरीके से चित्र में भिन्नता है, उसी तरीके से हमारे रंग रूप में, खान पान में भिन्नता होती है। तो हम अलग अलग तरीके से हर चीज़ को देखते हैं, समझते हैं। और जैसे हम बात करें कि अगर आप अखबारों के बारे में बात करते हैं कि हिंदी अंग्रेजी से मिले जुले शब्द हैं, आप चिल्लाकर सुनता है, कहता है, अखबार बेचने वाला है वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, कोई हिंदी का अखबार मांगता है, कोई अंग्रेजी का अखबार मांगता है, तो उसमें भी हम भिन्नता देख सकते हैं। मतलब अगर हिंदी का अखबार मांग रहा है, इसका मतलब उसको हिंदी आती है। तो यहाँ पर हम देखें कि आप अपने साथियों के साथ में जवाब कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ में सूची बना सकते हैं जिसमें ये बताया जाए कि आपको जो जवाब हैं, कुछ जवाब अपने साथियों से मिलते जुलते मिलेंगे जो आपको पसंद हैं, कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं है। बहुत सारे साथी हैं जिनको आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है, किसी को किताब पढ़ना पसंद नहीं है, खेलना पसंद है। तो आपकी कक्षा में कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं लोग बोलते हैं उसका आप पता लगा सकते हैं। अलग अलग स्टेट से अगर पढ़ रहे हैं लोग तो उनकी भाषा भी अलग अलग होगी, उनका रहन सहन अलग होगा, उनका खान पान अलग होगा, उनकी आर्थिक स्थिति है वो अलग होगी। तो वो सब सारी सारी जो बातें हैं वो भिन्नताओं में आ जाती हैं। अगर जैसे आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, जैसे आप अपनी क्लास में क्या करना चाह रहे हैं, दोस्ती करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप करना चाह रहे हैं दोस्ती, तो क्या आप एक ऐसे इंसान से दोस्ती करना चाहेंगे जो आपसे बहुत भिन्न है? क्योंकि अगर आपका दोस्त आपसे भिन्न होगा तो उससे कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि एक कहानी बताई गई है, कहानी में हम अगर स्टार्ट से पढ़ें तो इसमें बताया गया है कि एक अखबार बेचने वाला है, वो अखबार बेचता है, और जैसे ही अखबार बेचता है तो सामने वाला अखबार के पैसे देता है, और वो पूछता है कि क्या आप हिंदी में पढ़े हैं, अंग्रेजी में पढ़े हैं, मतलब कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो भाषा के आधार पर भिन्नता है।
और इस बारे में हम बात कर सकते हैं कि कोई हिंदी पढ़ सकता है बोल सकता है, कोई अंग्रेजी पढ़ सकता है बोल सकता है, कोई गुजराती पढ़ सकता है बोल सकता है, तो ये सभी भाषाओं की भिन्नता आ जाती है। फिर हम अगर बात करें, दूसरा सब्जेक्ट आता है प्रजा। प्रजा हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रजा हम जनता के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो राजा महाराजा है पहले जनता के लिए इस प्रजा शब्द का इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि पूरे चैप्टर को अगर हम पढ़ें स्टार्टिंग से, तो इसमें चैप्टर में क्या बताया गया है, ये भिन्नताओं के बारे में बताया गया है। जैसे आप अपनी कक्षा के चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, क्या आपको कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वो अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भिन्न होते हैं। ये भिन्नता हमारे जीवन में कई तरीके से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इस भिन्नता के कारण ही भारत में विविधता है, और विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरीके से बेहतर बनाती है, और भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की जो भिन्नताएं हैं वो विविधता का ही भाग हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं कि क्या इस तरीके की भिन्नताएं हैं वो विविधता का भाग है या नहीं है। जैसे आपकी उम्र के 3 बच्चों ने यहाँ पर चित्र बनाए हैं। खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बना सकते हैं, जैसे कि ये खाली बॉक्स दिखाया गया है, इसमें अपना चित्र बना सकते हैं। और क्या आपका चित्र है वो अन्य चित्रों से भिन्न है? यहाँ पर जो चित्र बनाया है वो अन्य चित्रों से भिन्न है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो। जैसा कि ये तीनों चित्रों में आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ये तीनों चित्र हम देख रहे हैं ये एक दूसरे से आपस में नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का जो तरीका है अपना अपना तरीका है। जिस तरीके से हमारी चित्रकारी में भिन्नता होती है, उसी तरीके से हमारे रंग रूप खान पान में भी भिन्नता होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि अपने अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आपके कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। जैसे आपने ये जवाब जानने की कोशिश की, कुछ जानकारी, जैसे कि बाहर जाते समय मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ, मैं घर में कैसे क्या बात करना करता हूँ, मैं मेरा पसंदीदा खेल कौन सा है, मुझे कौन सी किताब पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पर हम देखें अध्यापिका की सहायता से यहाँ पता कर सकते हैं कि किन किन साथियों के जवाब एक जैसे आए हैं। क्या आपका कोई साथी ऐसा है जिसकी सूची में आपके जैसा आंसर मिला है? तो वो भिन्नता का कारण होगा। शायद हो भी सकता है कि आपके जैसा आंसर मिला हो भी सकता है कि आपके जैसा आंसर नहीं मिला हो। हालांकि ऐसा जवाब है, कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं बोलते हैं? इन सब से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह होते हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी से दोस्ती करना है, तो दोस्ती के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? तो यहाँ पर हम कहानी पढ़ेंगे और इस बारे में सोचेंगे कि ऐसे इंसान से आप दोस्ती कर सकते हैं क्या जो आपसे बहुत भिन्न है। जैसे कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया है। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ में चौराहे पर लालबत्ती में अखबार बेचता था। एक लड़का था जो कि लालबत्ती का जो चौराहा था जनपद पर, वहाँ पर अखबार बेचता था। जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता था, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता था और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला करके सुनाता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला के खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। हाँ, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हो। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? तो सामने वाले ने बोला, हाँ मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। तो जैसे हम बोलें कि ये लड़का है, ये अखबार बेच रहा है और ये अखबार खरीदने वाला है, तो ये जब इसको अखबार बेचता है तो ये बंदा है वो हिंदी का अखबार मांगता है, तो इसे बड़ा अचंभा होता है कि ये लगता तो अंग्रेज़ है लेकिन हिंदी पढ़ सकता है, तो ये बड़ी बात है। तो ये भिन्नता हो गई है, हिंदी अंग्रेजी भाषा के अंदर भिन्नता हो गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बारे में थोड़ा सा अधीर होते हुए वो बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, और मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। ऐसा ये लड़का यहाँ पर से बोलता है। तो सब्जेक्ट उसने पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया
उसको क्या समझ में आता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता भी है नहीं, क्योंकि वो बंदा है जो अखबार बेच रहा है वो कभी स्कूल गया नहीं, तो उसे सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है कि हिंदी क्या होती है, अंग्रेजी क्या होती है, संस्कृत क्या होती है। तो मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई, मेरे पीछे की गाड़ियों ने हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया, मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था और वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपको अखबार, अब बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ प्रजा है, ऐसा उसे लग रहा था। इस जब उस अर्थ में वह प्रयोग कर रहा था तो यह हम बात करें कि यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। और उसके बाद में चूँकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया कि कभी नहीं गया मैं स्कूल। और उसने जवाब दिया, फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी मैंने यह काम करना शुरू कर दिया, यानी छोटी उम्र में ही अखबार बेचना शुरू कर दिया है। और उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपनी आप को नापा, और पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेला ही यह काम करता हूँ, यानी पहले मैं और मेरी माँ अखबार बेचते थे लेकिन अभी मैं अकेला ही अखबार बेचता हूँ, ऐसे उस बच्चे ने आंसर दिया। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? तो ये साइकिल वाला पूछता है कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? तो मैंने पूछा, पर वह जब तक कि बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा और मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना कि वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया, यानी कि उसके साथ कौन है क्या है वो उसे सुनाई नहीं दिया। तो मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। तो नाम मैंने बताया तो क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी, क्योंकि दोनों का नाम समीर है, अखबार बेचने वाले का भी अखबार खरीदने वाले का भी। तो हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा पता है कि समीर का अर्थ है, समीर का अर्थ होता है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? पवन पुत्र हनुमान को कहते हैं। तो अब से आप समीर और एक मैं समीर। तो उसने खूब खुश होते हुए कहा कि हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर, और दो समीर और दोनों समीर हैं आपस में, दोनों हाथ मिलाते हैं। तो उनका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया और मैं साइकिल चला करके आगे बढ़ चुका था, पर उसके साथ हाथ की जो गर्माहट है मैं अभी भी महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी जो चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी, मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा कि वहाँ दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए, मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। तो सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं? तो भीड़ भाड़ में अलग अलग जातियाँ हैं, अपने अपने वर्चस्व को बचाने के लिए आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, किसी बात पर बहस हो जाती है, वो बात इतनी बढ़ जाती है कि वो सांप्रदायिक दंगे का रूप धारण कर लेती है। लेकिन नुकसान इसमें कैसे होता है? समीर जैसे लोगों का होता है, जो रोजी रोटी कमाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनका ज़्यादा नुकसान इसमें होता है। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं, उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई, तो यहाँ पर हम देखें कि समीर है, दोनों दोस्त बनना चाहते हैं, दोनों दोस्त मिलते हैं, एक समीर है वो मुस्लिम है, तो ये जाति की भिन्नता आ जाती है यहाँ पर कि किस तरीके से वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं और उसको घबराहट रहती है कि मैं मुसलमान समीर हूँ और ये हिंदू समीर है, आपस में दोस्ती नहीं हो सकती, हो सकती या नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर बता सकते हैं कि एक जाति का अंतर है, एक भाषा का अंतर है, एक स्कूल गया है, एक स्कूल नहीं गया है। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाएंगे? तो यहाँ पर दोस्त बन भी सकते हैं, भिन्नता की वजह से दोस्त बन भी सकते हैं और रुक भी सकते हैं, वो दोनों की आपस में सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम देखें कि अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, नहीं उसके अगले दिन वह देखा और नहीं आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। तो यहाँ पर हम देखें, जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। तो जब महत्वपूर्ण होता है तब हम भिन्नता को अपना लेते हैं, भिन्नता से भी दोस्ती कर लेते हैं। तो समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग अलग हैं, एक हिंदू धर्म से है, एक मुस्लिम धर्म से है, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग है, एक अलग स्टेट से है, एक अलग स्टेट से है। जहाँ पर समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दूसरा है वो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएँ विविधता के पहलू होते हैं। अपनी जो विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो में
अन्य मामले में भी एक दूसरे से भिन्न थे। अन्य मामले में किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न थे, पहले यहाँ पर हम देखें, उन त्योहारों की सूची बना सकते हैं कि जो हो सकता है कि समीर एक समीर दो मनाते हों। जैसे कि समीर एक मान लो होली दिवाली मनाता है, तो समीर दो ईद है मनाता है, मुहर्रम मनाता है। तो ऐसी परिस्थितियों के बारे में आप सोच सकते हैं जब आप उससे दोस्ती की, तो जो आपसे बहुत अलग है, इसका वर्णन आप कर सकते हैं कि आपने अगर किसी ऐसे दोस्त से दोस्ती की है जो आपसे भिन्न है, तो आपको किस तरीके की फीलिंग आई, किस तरीके से आपने दोस्ती की, किस तरीके से आपने दोस्ती का हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, वो सारी बातें आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि उदाहरण के लिए समीर एक ने है स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दूसरा है वो अखबार बेचता था। मैं कई लोगों को ऐसा देखा होगा जो गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं होती, तो वो स्कूल कहाँ से जा पाएंगे। यह फ़र्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। तो इस विविधता के, ये जो फ़र्क है, गरीबी अमीरी का जो फ़र्क है, ये विविधता का रूप नहीं है, ये गैर बराबरी का रूप है। तो इसको हम गैर बराबरी करेंगे। कोई व्यक्ति एक अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है, तो उसको बोलते हैं गैर बराबरी, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है। लेकिन अगर एक मुसलमान है, एक हिंदू है, तो उसको हम विविधता बोलेंगे। उन दोनों का पहनावा अलग है, दोनों अलग अलग धर्म को अपनाते हैं, अलग अलग संस्कृति को अपनाते हैं, तो उसको हम विविधता का रूप बोल सकते हैं। बल्कि गैर बराबरी और विविधता यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये हम समझ सकते हैं। गैर बराबरी का मतलब होता है कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ही ज़मीन है और पैसे जैसे संसाधन नहीं हैं जो दूसरों के पास में है, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच में मौजूद असमानता यानी गरीबी का, गैर बराबरी का कारण है। तो यहाँ पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि असमानता क्या चीज़ है। असमानता और विविधता में अंतर हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि असमानता क्या होती है और विविधता क्या होती है। जाति व्यवस्था है असमानता का एक और उदाहरण है। ये भी जाति व्यवस्था है, ये विविधता का उदाहरण नहीं है, ये अजाति व्यवस्था है, ये असमानता का ही उदाहरण है। तो ये भी हम देख सकते हैं। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा है। जो जाति व्यवस्था है, इसकी वजह से समाज हमारा अलग अलग समूह में बट गया है। और इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते थे। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए हम बात करें, समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था, उसकी राय में, आपकी राय में वह स्कूल जाना चाहता था तो क्या जा पाता। क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते हैं। इस पर चर्चा कर सकते हैं कि समीर दो के पास में अगर पैसे, संसाधन या गवर्नमेंट का सपोर्ट होता तो वह स्कूल जा सकता था और वो स्कूल जाना चाहता था। तो ये बातें हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि वो स्कूल जा सकता था, जाना चाहता था, क्यों नहीं जा पा रहा था, उन सारी बातों के बारे में पता कर सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं या विचार विमर्श हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि अगर आप कुमार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुमारी हो जाती है। आप बस वही बन करके रह जाते हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा भी नहीं बदल सकता, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को वो हासिल नहीं कर सकता। जाति व्यवस्था की वजह से अगर कोई व्यक्ति कुमार है और कोई व्यक्ति सुनार है, तो कुमार है कुमार का काम ही करेगा, सुनार है सुनार का काम ही करेगा। अगर ये जाति व्यवस्था नहीं होती तो क्या होता, कुमार है वो सुनार का काम कर लेता, सुनार है वो कुमार का काम कर लेता, तो यानी दूसरा काम वो सीख लेता, दूसरा ज्ञान वो हासिल कर सकता था। लेकिन जाति व्यवस्था की वजह से लोग दूसरा ज्ञान हासिल नहीं कर पाते हैं, तो ये असमानता का रूप धारण कर लेता है। तो ये विविधता का रूप नहीं है। विविधता में आपस में चीज़ें शेयर होती हैं, आपस में हम ज्ञान को बांटते हैं, लेकिन अगर ऐसा मानता है तो उसमें आपस में चीज़ें बढ़ती नहीं हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि उस ज्ञान के अलावा वह अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता है और गैर बराबरी पैदा हो जाती है, और इस बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि विविधता हमारे जीवन में किस तरीके से सहायक होती है, विविधता की वजह से हमारे जीवन में क्या चीज़ें नई बदलती हैं, क्या चीज़ें हम सीखते हैं विविधता से, कैसे हमारे जीवन में समृद्धि विविधता की वजह से आती है। तो जैसे समीर एक और समीर दो, दो दोस्त बने हैं, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी। जैसे कि लड़की के बारे में बात की है, लड़का के बारे में बात करें, दोस्त होंगे, आप भी बहुत अलग होंगे। आपको शायद उसके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ में अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। सूची बनाइए कि भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन खाए जाते हैं, राजस्थान में कौन सा खाया जाता है, गुजरात में कौन सा खाया जाता है, कर्नाटक में कौन सा खाया जाता है, तो जितने भी भारत में स्टेट हैं, राज्य हैं, उनमें कौन कौन सा खाना बनाया जाता है। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिसके आप कुछ शब्द भी जानते हैं, जैसे कि मराठी, मेवाड़ी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, जैसी भी जिन भाषाओं के शब्द आप जानते हैं उन भाषाओं की सूची आप बना सकते हैं। तो ये भी क्या है, सब विविधता के रूप हैं। तो आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं, भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको कुछ कहानी बनाना भी पसंद होगा।
एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। आपको पढ़कर ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों और वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। यानी वही लोग कहानियाँ लिखते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग स्रोतों से अपने विचार लेते हैं, अलग अलग किताबों से, वास्तविक अपने जीवन से, कल्पना के आधार पर वो कल्पना करते हैं और कहानी गढ़ते हैं और उसी के आधार पर कहानी का निर्माण होता है। कुछ लोग हैं जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे हैं, उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। कुछ लोग हैं राजा रानियों के वृतांत पढ़ करके प्यार और सम्मान के किस्से लिखते हैं। कुछ हैं वो लोग अपने बचपन के यादों में गोते लगाते हैं, बचपन की यादें याद करते हैं, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों में निकाल करके कुछ साहस की कहानियाँ लिखते हैं। तो कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानी आपने सुनी है, पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हैं, एक लाल और एक सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों जैसे कि शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षियों को पालते हों, उदाहरण के लिए जैसे कि हिरण और कौआ, और केवल सांप सीढ़ी का खेल से अपना मनोरंजन करते हो, तो ऐसी जगह रहकर वे वैसी कहानियाँ लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। जहाँ पर लोग अगर एक ही जैसे माहौल में रहते हैं तो वहाँ पर वो इस तरीके की कहानियाँ नहीं लिख पाएंगे, ये श्योर है। तो हम ये मान सकते हैं कि आप एक चित्रकार हैं और कहानीकार हैं जो एक ऐसी जगह पर रहती है, जो कि जीवन में एक कहानी लिखी है और चित्र बनाना है उसका। जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर कहानी लिखनी है, चित्र बनाना है। क्या आप सोचते हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा जहाँ पर विविधता नहीं है? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिसकी कमी ऐसी जगह पर सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर सिर्फ दो ही तरह के कपड़े पहनते हैं, लाल और सफ़ेद, जहाँ पर सिर्फ आलू खाते हैं, जहाँ पर पशु पक्षी दो ही पालते हैं, एक हिरण और एक कौवा, तो आपको वहाँ पर कैसा लगेगा? वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनकी आपको कमी महसूस होगी? जैसे कि आपको अलग तरह का खाना नहीं मिल पाएगा, जो अभी आप विविधता पहन रहे हैं, अलग रंग के कपड़े आप नहीं देख पाएंगे, अलग तरीके की दुनिया में आप नहीं जी पाएंगे, आप उतने ज़्यादा मनोरंजन के साधन वहाँ पर नहीं हैं, तो वो आप सारी बातें यहाँ पर देख सकते हैं। कि भारत में विविधता की बात करें, जो भारत में विविधता है, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हमें एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग होते हैं। हम सिर्फ जीवन को जीते हैं, हमारे जीवन के जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, भारत के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे काम करते हैं और उनके तरीके अलग अलग बताया गया है। दो तरीके हम लिख सकते हैं, जिसकी प्रार्थना करना, इबादत करना, तो भक्ति गीत गाना, भजन गाना हो सकता है, पूजा पाठ करना हो सकता है, शादी करना, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करके शादी कर सकते हैं, अरेंज मैरिज करके हम शादी कर सकते हैं, भाग के हम शादी कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, विभिन्न प्रकार के कपड़े जैसे कि मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना, राजस्थान में है जैसे कि घूंघट, राजस्थान में है, गुजरात में जैसे कि अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अभिवादन करना, अभिवादन जैसे कि झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जौहार कहना, झारखंड के जो आदिवासी हैं जब अभिवादन करते हैं तो एक दूसरे को जौहार कहते हैं, कहीं कहीं पर अभिवादन में राम राम कहते हैं, कहीं कहीं पर नमस्कार कहते हैं। चावल पकाना, जैसे कि मीट या सब्जी डाल करके बिरयानी पकाना, कहीं पे साधारण चावल पकाते हैं और कहीं पे चावल बूरा के साथ में खाते हैं, तो अलग अलग तरीके से सामान को पकाते हैं, तो ये विविधता की वजह से आता है। तो हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं? अगर विविधता की बात करें, हम किस तरीके से विविधता को समझें, तो करीब 200 वर्ष पहले यह रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे स्थान पर यात्रा, जो दूसरा हिस्सा है दूसरे भाग पर यात्रा करते थे। भारत के लोग हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, वे पानी के जहाज में घोड़े या ऊँट पर बैठ करके जाते थे या फिर पैदल चल करके जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बचने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था इसलिए लोग कई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग हैं अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तब तो वे नई जगह पर जाकर के बच जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ लोग युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगहों पर बसना शुरू कर देते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें हैं वो पुरानी जगह पर, यानी पुरानी जो जगह है वहाँ पर से आए थे तो वहाँ पर अपना लेते थे। जैसे कि कोई बंदा राजस्थान से गुजरात गया है तो कुछ चीज़ें वो राजस्थान की अपनाएगा गुजरात में और कुछ चीज़ें गुजरात की अपना लेगा। जैसे कोई बंदा है मुंबई में रह रहा है और राजस्थान से गया है तो कुछ चीज़ें उसके पास में राजस्थान की रहेंगी, कुछ चीज़ें मुंबई की रहेंगी, तो वो विविधता है वो मिक्सअप हो जाती है और विविधता की वजह से जीवन का आनंद है वो बढ़ जाता है।
इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता रहता है। धीरे धीरे वह मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति यहाँ पर उभरती है। तो अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्नता जो है, विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने उसको आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न, हमारे इतिहास के बहुत सारे क्षेत्र हैं जो विविधता संपन्न माने गए हैं। ठीक इसी प्रकार के लोग अलग अलग तरीके के भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार से सामंजस्य बैठाते हैं, उसमें विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों में बड़ा फर्क होता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होता है, बल्कि जिस तरह का वो काम करते हैं वे भी अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरीके से गहराई से जुड़ा हुआ है। जो लोग शहरों में रहते हैं वो ये मानते हैं कि उनको ये पता नहीं होता है कि जो भौतिक वातावरण है उससे उनका जीवन किस तरीके से जुड़ा रहता है। वो शहर के ऐशो आराम में गुम रहते हैं, उनको भौतिक वातावरण के बारे में इतना पता नहीं रहता है। उनको इस बारे में पता होना चाहिए कि उनका जीवन है वो भौतिक वातावरण से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी और अनाज उगाते हैं। लोग शहरों में जो सब्जी अनाज नहीं उगाते हैं वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं, और बाज़ार कहाँ से आएगा, वो भौतिक वातावरण से ही बाज़ार में जो प्रोडक्ट है वो बाज़ार में भौतिक वातावरण से ही आएगा। भारत के दो भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण से के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो एटलस में हम भारत का नक्शा देखें, उसमें ढूंढेंगे कि लद्दाख कहाँ पर है और केरल कहाँ पर है। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे, वहाँ के भोजन, कपड़े, व्यवसाय, पैसे कैसे प्रभावित करते हैं उसकी हम सूची बना सकते हैं कि उनकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि लद्दाख ऊँचे पहाड़ी वाला रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऊँचे पहाड़ी वाला रेगिस्तानी इलाका है। तो लद्दाख है जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में ये बसा हुआ है, पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी ये इलाका है लद्दाख। और यहाँ पर बहुत सी ही कम खेती संभव है, यहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश है वो बिल्कुल नहीं होती है। और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ये लद्दाख एरिया है ढका रहता है, और इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, और पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के मौसम में पिघलने वाली जो बर्फ़ होती है यहाँ पर उसी पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यहाँ पर जो बकरी पालते हैं उससे पश्मीना ऊन मिलता है, उस बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, और यह ऊन बहुत कीमती होती है। इसलिए पश्मीना साल जो होती है, पश्मीना से बनी हुई जो शॉल होती है, पश्मीना ऊन से बनी हुई जो शॉल होती है वो बहुत महंगी होती है क्योंकि वो बाकी इलाकों में सर्दियों में काम आती है। तो हम कह सकते हैं कि ये विविधता है बाकी इलाकों में के लिए वरदान का काम करती है। लद्दाख के लोग हैं बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो लद्दाख के लोग हैं कश्मीर के व्यापारियों को बेच रहे हैं तो कश्मीर में काम आएगी वो। और मुख्यतः कश्मीर में भी पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। और यहाँ के लोग हैं दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज़ या खास की चीज़ जो होती है वो खास तरह का एक छेना होता है, मांस खाते हैं यहाँ के लोग, जो लद्दाख वाले लोग हैं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास में कुछ गाय होती है, बकरी होती है और याक होती है। और याक हम क्योंकि यहाँ पर बर्फीला इलाका है तो याक भी पाई जाती है। रेगिस्तानी होने की वजह से, रेगिस्तानी होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर करके मध्य एशिया के काफिले इलाके में पहुँचते हैं। तो यहाँ से ऐसी घाटियाँ हैं जहाँ से गुजर करके हम मध्य एशिया के जो काफिला इलाका है वहाँ पर पहुँचते हैं, जैसे जिसे आज हम तिब्बत कहते हैं, तिब्बत लद्दाख से होते हुए जाते हैं। ये काफिले अपने साथ में जो काफिले जो लोग जाते हैं लद्दाख तिब्बत जाते हैं, लद्दाख से होते हुए तिब्बत जाते हैं, ये काफिले अपने साथ में मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर के चलते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था, जो बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था वो लद्दाख के रास्ते से होते हुए ही पहुँचा था। लद्दाख को हम छोटा तिब्बत भी कह सकते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। यहाँ के लोग हैं 400 साल पहले इस्लाम धर्म के बारे में जान चुके थे, यानी इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी हासिल हुई थी, इस्लाम धर्म के बारे में परिचय हुआ था। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान लद्दाख लोग में, लद्दाख जो जगह है वहाँ पर रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सांगा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, ये तिब्बत का ग्रंथ है केसर सांगा और ये लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग हैं यहाँ पर गाते हैं,
और उस पर नाटक भी खेलते हैं। अगर हम बात करें, ये पश्मीना शाल है, ये बुनती हुई औरतों का चित्र दिखाया गया। पश्मीना शाल लद्दाख से जो वहाँ के व्यापारी हैं वो निकालते हैं। अब बात करते हैं केरल की। केरल की बात करें, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है और यह एक तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से ये केरल घिरा हुआ है। और इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि यहाँ पर उगाए जाते हैं पहाड़ियों पर। और इन मसालों के कारण क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बन गया है ये क्षेत्र है। यहाँ पर व्यापारी लोग यहाँ पर आते हैं। ये मछली पकड़ने का चीनी जाल यहाँ पर केरल में लगाया गया है। सबसे पहले अरबी और यहूदी हैं यहाँ पर केरल आए थे। केरल आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत जो थे संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। जो ईसा मसीह के धर्मदूत थे संत थॉमस, ये यहाँ पर आए थे 2000 साल पहले। और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? संत थॉमस को यहाँ पर दिया जाता है। और अरब से कई व्यापारी यहाँ पर आकर के बस गए हैं। इब्न बतूता है, इब्न बतूता जो कि करीब 700 साल पहले यहाँ पर आए थे, उसने अपनी यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत होती थी। कहाँ पर? केरल में मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत होती थी, ये इब्न बतूता बताते हैं। और उसके बाद में वास्को डी गामा है, पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे हैं। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का जो रास्ता है वो समुद्री रास्ता जाना था वो किसने जाना था? पुर्तगालियों ने जाना था वो। और इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी धर्म भी आ जाता है, इस्लाम धर्म भी आ जाता है, ईसाई धर्म भी आ जाता है, हिंदू आ जाता है, बौद्ध आ जाता है। चीन के व्यापारी भी केरल आए हैं और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, इसलिए उन्हें चीनी वाला भी कहते हैं। जो जाल यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उसके चीनी वाला जाता है। और इसमें चीन शब्द इस बात की ओर संकेत करता है कि उत्पत्ति कहाँ, जो इस जाल की उत्पत्ति है वो कहाँ हुई है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु है, चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। और केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार में अगर बात करें तो विशेष आकर्षण होता है, वो होता है ओणम का। तो ये ओणम का चित्र बताया गया है। ओणम में तो ये केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है ओणम, और ये एक विशेष आकर्षण का क्या है, केंद्र है, और नाव प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है। उसके बाद में बात करें कि जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं यह भी देखने को मिलता है कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव के हैं। यानी दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव बनाई है, वहीं लद्दाख की जो विशेष भौगोलिक स्थिति है वहाँ पर उन से व्यापारियों को अपनी ओर खींचा है। तो इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से बड़ा गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो हमारे जो वर्तमान जीवन का जो आधार है वो काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। हम एक कदम के साथ में हमारी सांस्कृतिक रीति रिवाज, जीने का तरीका धीरे धीरे नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है और वहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं, अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल करके काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं को घुल मिल जाते हैं। तो विविधता में एकता की अगर हम बात करें भारत के बारे में, तो विविधता में एकता किस तरीके से है? भारत की विविधता और अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं, पुरुषों ने क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर के लड़ाई लड़ी थी। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे, उन्होंने एकजुट होकर के आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि ये वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है और इस तरह का राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में भी सब एक हैं। और हम बात करें ये कविता है भारतीय जन नाटक संघ के द्वारा कि दिन खून के हमारे प्यारे ने भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े हैं, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, हिंदू व मुस्लिम की होती है आज होली,
बहते हैं एक रंग में दामन भीगो के जाना। तो ये भारतीय जन नाटक संघ का ये कविता है। और इसमें नीचे हम देखें कि ये जो गीत बताया गया है स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसका ये चित्र बताया गया है। यह गीत है, ये अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में गाया गया था। और इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल था, उसने शांति प्रिय निहत्ते लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। और जो लोग बाग में इकट्ठा होकर के सभा कर रहे थे उनमें महिला पुरुष हिंदू मुसलमान सिख इतने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत सारे लोगों की जाने गई, बहुत सारे लोग घायल हुए। और यह गीत है उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और जो चिन्ह है वो विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी और इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक लिखी है भारत का है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना है और प्रोत्साहित किया है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का जो विचार दिया था वो नेहरू ने ही दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो हमारा राष्ट्रगान है वह भी राष्ट्रीय एकता का एक अभिव्यक्ति है। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान बनाया है वो हमारा राष्ट्रीय एकता का एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है इसे अपने शब्दों में हम लिख सकते हैं, किस तरीके से हमारी एकता के बारे में राष्ट्रगान है वो बताता है।